इंडिया ने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में 70 रनों से हरा दिया और इस जीत के साथ इंडिया की टीम ने 12 साल बाद फाइनल में जगह बना ली। दोनों टीमें 4 साल बाद एक बार फिर से सेमीफाइनल में आमने सामने हुई थी। पिछली बार 2019 में कीवी टीम ने करोड़ों भारतीयों का सपना तोड़ दिया था और फाइनल में जगह बनाई थी। इस बार भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर पिछली हार का बदला ले लिया। अब भारतीय टीम 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल खेलेगी। भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए थे। इसके जवाब में कीवी टीम सभी विकेट खोकर 327 रन ही बना पाई। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल का ये पहला मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। भारत के लिए इस मैच में पहले विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शतकीय पारी खेली। सेमीफाइनल को यादगार बनाया तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर अपना नाम भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ने 113 गेंदों पर 117 रनों की आतिशी पारी खेली और लेजेंड सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा वनडे शतकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोहली का ये वनडे करियर का 50वां शतक रहा। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने, जबकि सचिन ने अपने करियर में 463 वनडे खेले, जिसकी 452 पारियों में 44.83 के औसत में 18,426 रन बनाए। उन्होंने कुल 49 वनडे शतक लगाए। दूसरी ओर कोहली ने अपने करियर की 279वीं वनडे पारी में ये उपलब्धि हासिल की। शतक के बाद कोहली ने दोनों हाथ झुकाकर सचिन को नमन भी किया। इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।